भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, उम्र बढ़ने के साथ अक्सर सभी इसके शिकार हो जाते हैं। किसी किसी बच्चे की भी मेमोरी वीक होती है, उनका आईक्यू लेवल कम होता है, एकाग्रता भी कम होती है। भस्त्रिका कपालभाति से लेकर के अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, सभी ये जो प्राणायाम हैं ये कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, आईक्यू लेवल को बढ़ाते हैं। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बच्चों को भी 2 मिनट, बड़ों को 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट सबको करना चाहिए, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी 10 से 15 मिनट करना, फिर हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर लेना, और गले थायराइड के लिए उज्जायी प्राणायाम करें तो बहुत अच्छी बात है। आंखें बंद करके आप 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, और 5 से 10 11 बार तक भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम कीजिए। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मस्तिष्क ज़्यादा ही वीक है तो आप मेधावटी एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। ज़्यादा ही मस्तिष्क में दुर्बलता है तो आप 2-2 गोली भी खा सकते हैं। बादाम रोगन आप ले सकते हैं दूध के साथ। बादाम आप रात को भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अखरोट आप खा सकते हैं। बादाम और अखरोट मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अमृत रसायन का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी शंख पुष्पी का पाउडर भी आप सुबह शाम 1-1, 2-2 ग्राम ले सकते हैं। ज्योतिषमती मालकांगनी उसको बोलते हैं, उसके भी 2-3 बीज जो है वो आप पाउडर करके ऐसे दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। वचा आयुर्वेद में मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है, उसका भी 1-2 ग्राम जो है पाउडर आप दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। गाय का दूध और गाय का घी ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, मेमोरी लॉस के लिए भी बहुत उपयुक्त है। ध्यान करने से, श्वासों के ऊपर ध्यान करने से आपकी मेधा शक्ति प्रबल होती है। तो प्राणायाम और ध्यान ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।